अस्सलाम वालेकुम जी, ट्रिनिटी ऑनलाइन कोर्सेस, हमने एक नया अकाउंट बनाया है जिस जो कि है इंस्टाग्राम के ऊपर। ये मेरे ही चैनल से एसोसिएटेड है, हम ही लोग हैं, देयर इज सेम टीम हु इज वर्किंग इन दिस चैनल एज वेल। सो इसको आप लाइक कीजिए। और दूसरा, DVSA का ये छोटा सा सैम्पल लेसन बनाया जिसमें आपको पता लगेगा कि क्लास में क्या होता है, किस तरीके से होता है। उर्दू में एक्सप्लेन करूँगी। Right. DVSA Theory Online Preparation Driver and Vehicle Standards Agency. Full form DVSA की ये है। इसमें आप दो चीज़ें पढ़ते हैं। टेस्ट में हाईवे कोड आता है और दूसरा आता है का हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट। हाईवे कोड में बेसिकली आपको MCQs करने पड़ते हैं। MCQs जिन्होंने लाइफ इन UK वगैरह किया तो उनको पता है कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिसमें बहुत सारी ऑप्शन आपको दी होती हैं और स्टेटमेंट लिखे होते हैं, तो आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होता है। सिर्फ 7 गलत आप कर सकते हैं, 7 से ज़्यादा गलत करेंगे तो आप फेल हो जाते हैं। फिर हैज़र्ड परसेप्शन होता है, वो भी सेम डे पे थोड़े से टाइम के बाद जो है आपको एक दूसरा टेस्ट भी दिया जाता है, दैट इज़ बेसिकली द पार्ट टू। इस पार्ट टू में आप हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट देते हैं। हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट क्या होता है, इसमें वीडियोज चलती हैं और आपको हैज़र्ड्स पे क्लिक करना पड़ता है। जितनी जल्दी आप हैज़र्ड को देखते ही आइडेंटिफाई कर देंगे उतने मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। एक हैज़र्ड को एक ही दफ़ा आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? तो ये दो चीज़ें हैं थ्योरी में आ जाती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स हैं, लेकिन सबसे पहले जो रूल्स आते हैं वो 35 रूल्स जो हैं वो पेडेस्ट्रियंस के लिए हैं। पेडेस्ट्रियंस का मतलब है वो लोग जो पैदल चलते हैं। रूल्स फॉर पेडेस्ट्रियंस इंक्लूडिंग जनरल गाइडेंस, क्रॉसिंग द रोड, क्रॉसिंग्स सिचुएशन नीडिंग एक्स्ट्रा केयर, ये सारी बातें इसमें आ जाएंगी। गाइडेंस आएगा, गाइड करेंगे पेडेस्ट्रियन ने सड़क क्रॉस कैसे करनी है। अगर क्रॉसिंग्स उसके लिए अवेलेबल हैं तो उसको क्रॉसिंग्स के ही जरिए सड़क क्रॉस करनी है, बेशक उसको थोड़ा सा ज़्यादा चलना पड़े। और ऐसे सिचुएशंस जिसमें ज़्यादा एहतियात करनी पड़ जाती है, कोई एक्सीडेंट वाले एरियाज होते हैं, क्राइम सीन तो नहीं मैं कहूँगी, कोई एक्सीडेंट सीन है या कोई इस तरह का कोई सिचुएशन है, तो आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। या कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा केयर आपको करनी पड़ेगी, एज अ ड्राइवर भी एज अ पेडेस्ट्रियन भी। गाड़ी में आप अगर बैठे हैं, सामने कोई आइसक्रीम वैन है, तो काफ़ी चांस होता है कि इसके दाएं बाएं से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बच्चा निकलेगा, तो वहाँ पर भी अपने आपको स्पीड एज अ ड्राइवर जो है वो बिल्कुल कम करनी पड़ती है, पेडेस्ट्रियंस का ख्याल रखना पड़ता है। पूरी थ्योरी में आप कहीं पर भी एक जगह पर भी ये चीज़ नहीं पढ़ेंगे कि आप यू आर राइट, आप अगर ठीक कर रहे हैं, दूसरा अगर गलत कर रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो आपको हमेशा ये सिखाते हैं कि अगर कोई मिस्टेक भी करता है, कोई नए लर्नर्स होते हैं, बूढ़े ड्राइवर्स होते हैं, यहाँ पर अगर इस तरह का कोई मसला है तो आपको उनको भी प्रोटेक्ट करना है। और वो आप कैसे करेंगे, अगर आप खुद सेफ्टी मार्जिन रख के ड्राइव करेंगे आप, तो पॉसिबल होता आपके लिए। पहली बात आती है जी पेमेंट की। जनरल गाइडेंस में पेमेंट क्या होती है, जहाँ पर हम पैदल चलते हैं, ऊपर वाली तस्वीर आपके सामने है। इंक्लूडिंग एनी पार्ट अलोंग द साइड ऑफ द रोड शुड बी यूज्ड प्रोवाइडेड, अगर आपको मुहैया की गई है तो आप इस जगह को इस्तेमाल करें पैदल चलने के लिए। वेयर पॉसिबल अवॉइड बीइंग नेक्स्ट टू द कर्ब विद योर बैक टू द ट्रैफिक, आपकी कमर ट्रैफिक की तरफ नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, ट्रैफिक को तो आप देख ही रहे, आपको ट्रैफिक नहीं देख रहा, पहली बात। दूसरी बात, जो कर्ब होता है, कर्ब आप सेकंड पिक्चर में देखें, कर्ब को लेबल किया हुआ है। पेवमेंट का जो बिल्कुल एज होता है वो कर्ब कहलाता है। ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो कर्ब पे होते हैं, पेवमेंट पर नहीं होते। कर्ब पे क्यों होते हैं, कि व्हेन यू आर वॉकिंग विद योर बैक टू द ट्रैफिक देयर इज अ चांस दैट अ बस कैन ईजिली हिट यू फ्रॉम द बैक। पीछे से बस कोई आएगी, उस वो आपको हिट कर सकती है, वो नहीं हिट करेगी, उसका साइड मिरर जो रेयर मिरर होता है उस साइड पे लग जाएगा, तो ऑन द स्पॉट बंदा मर जाता है। इफ यू हैव टू स्टेप इनटू द रोड लुक बोथ वेज फर्स्ट, ये आपका ग्रीन क्रॉस कोड में आ जाती है। ये जनरल बेसिक बातें हैं कि हम जब सड़क क्रॉस करते हैं हमें दोनों तरफ देख के सड़क क्रॉस करनी होती है। ऑलवेज शो ड्यू केयर एंड कंसिडरेशन फॉर अदर्स, और हमेशा हमेशा आपने परवाह करनी है, कंसिडर करना है, प्रायोरिटाइज करना है दूसरे लोगों को। फर्स्ट करें, पेमेंट है ही नहीं, इफ देयर इज नो पेमेंट कीप टू द राइट हैंड साइड ऑफ द रोड सो दैट यू कैन सी ऑनकमिंग ट्रैफिक। आपको
आता हुआ ट्रैफिक अपनी जानब नजर आए, इसलिए आपने राइट हैंड साइड पे रहना होता है हमेशा। सड़क के दाएं जानब आप वॉक करें, लेफ्ट पे नहीं, राइट पे। यू शुड टेक एक्स्ट्रा केयर एंड बी प्रिपेयर टू वॉक इन सिंगल फाइल, स्पेशली ऑन द नैरो रोड्स और इन फोर लाइट्स। सिंगल फाइल क्या होती है? आगे पीछे एक दूसरे के पीछे बेसिकली चलना, एक ग्रुप बना के ना चलना, साथ साथ ना चलना। एक बंदा आगे है, दूसरा उसके पीछे है, तीसरा उसके पीछे, तो दिस इज कॉल्ड वॉकिंग इन सिंगल फाइल। इस तरह वॉक करने के लिए हमेशा तैयार रहा करें, स्पेशली इन द नैरो रोड्स जहाँ सड़क तंग है या लाइट पुअर है। लाइट पुअर है मतलब रात का टाइम हो सकता है, शाम का टाइम हो सकता है, दिन का टाइम भी हो सकता है अगर वेदर कंडीशंस वेरी कर रही हैं। अगर फॉग है, स्नो है, बारिश है, तो फिर पुअर लाइट हो सकती है। कीप क्लोज टू द साइड ऑफ द रोड और सड़क से ज़रा साइड साइड पर रह के आप चला करें। It may be safer to walk across the road well before the sharp right hand bend. Bend होता है जी सड़क का मुड़ना। Bend picture में आप देख सकती हैं कि मोड़ तो रही है लेकिन उस सड़क पे right पे जाके आगे कौन सी traffic आपके जाने बारी आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि अंधेरा भी हो सकता है और वैसे भी उसका कट इस तरह का है कि ब्लाइंड बेंड है, आपको नहीं नजर आएगा आगे से क्या आ जा रहा है। एज अ पेडेस्ट्रियन भी जब आपने सड़क क्रॉस करनी है, आप बेंड से पहले कर लिया करें। बेंड पे जाके सड़क क्रॉस करना बहुत रिस्की हो जाता है, और इस तरह से फिर ऑनकमिंग ट्रैफिक जो होगा उसके पास भी बेहतर चांस होता है कि वो आपको देख सके। क्रॉस आफ्टर द बेंड, सो बेंड से पहले या बेंड के बाद क्रॉस किया करें, कहीं बीच में से बेंड पे से ना क्या करें। हेल्प अदर रोड यूजर्स टू सी यू, आप अपने आप को देख सकते हैं, आप ट्रैफिक को देख सकते हैं, लेकिन क्या ट्रैफिक आपको देख सकता है? दो तस्वीरें आपको दी हुई हैं, पहली पिक्चर में नहीं कुछ भी नजर आ रहा, बहुत करीब गाड़ी पहुंचेगी तो शायद उसको देख जाए, लाइट पड़ेगी तो। लेकिन जब उन्होंने रिफ्लेक्टिव बैंड्स और सैशेस वगैरह ये इस तरह के रिफ्लेक्टिव मटीरियल्स पहन लिए, तो 3 times दूर से ड्राइवर्स को जब उनकी मेन बीम या हेडलाइट पड़ेगी इसके ऊपर, उनको दिख जाएगा कि यहाँ पर कोई पेडेस्ट्रियंस है। वेयर अ कैरी समथिंग लाइट कलर्ड, कोई हल्का सा रंग पहना करें, ब्राइट एंड फ्लोरोसेंट इन पुअर डेलाइट कंडीशंस। दिन के वक्त भी जब मौसम ऐसा है कि आपको विजिबिलिटी इतनी फुल पे नहीं है, तो फिर आप लाइट कलर चीज़ें पहनें, ब्राइट कलर्स पहनें ताकि आपको दिखें। व्हेन इट्स डार्क यूज रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स, और जिस तरह की जैकेट आपको ऊपर दिखाई हुई है जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, उस तरह के सैशेस, आर्म बैंड, वेस्ट कोट, जैकेट्स, फुटवेयर, which can be seen by the drivers using headlight up to 3 times as far away as non-reflective materials. Non-reflective materials इतना नहीं आपको विजिबल करते, लेकिन जब आप इस तरह की रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स पहन लेते हैं तो आप बहुत दूर से ड्राइवर को नज़र आ जाते हैं। तो ये चीज़ें आपकी गाड़ी में लाजमी पड़ी होनी चाहिए। The next thing is if you are taking the children out, you can't leave them on their own, you need to hold their hands quite firmly. Young children should not be out alone on the pavement or road. सड़क पे छोटे छोटे बच्चों को आप अकेले वो पेवमेंट पे भागने के लिए नहीं छोड़ सकते। When taking children out, keep between them and the traffic. Keep between them and the traffic and hold their hands firmly. और जब आप बच्चे साथ लेके जाते हैं तो बीच में खुदरा करें, उनके हाथों को दाएं बाएं से पकड़ा करें काफ़ी मजबूती के साथ, फर्मली मतलब मजबूती। Strap over young children to push chairs or use reins. जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको अपने पुश चेयर्स में डालना होता है या इस तरह की रेंस यूज करनी पड़ती है, जो बेल्ट स्ट्रैप्स टाइप। When pushing a young child in the buggy, do not push the buggy into the road. When checking to see if it's clear to cross. जब आपने चेक करना है कि आप सड़क क्रॉस करने के लिए, कि आपने चेक करना है कि कोई दाएं बाएं ट्रैफिक तो नहीं आ रहा, तो बच्चों को और पेट्स को भी और पुश चेयर्स को भी, हर चीज़ को आप पीछे रखते हैं, आप आगे जाके देखते हैं। अगर आपको लगता है रोड क्लियर है तो फिर आप बच्चों को या पेट्स को भी फिर आप आगे पुश कर सकते हैं, उनको लीड कर सकते हैं। या पर्टिकुलरली फ्रॉम बिटवीन द पार्क व्हीकल्स, खास तौर पर जहाँ पे व्हीकल्स जो हैं, गाड़ियाँ शाड़ियाँ वो पार्क हुई हैं, खास तौर पर तब
उस पे उस सिचुएशन में ज्यादा खतरा होता है, और जो गाड़ियों का एज होता है, को किनारा होता है, उसको फिर आप एज अ कर्व इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब बच्चों को आप बाहर लेके जाते हैं, हर बच्चे का नेचर डिफरेंट होता है। कुछ बहुत रिबेलियस किस्म के होते हैं, आपको नहीं पता कौन सा बच्चा, मतलब एज पे हम डिपेंड नहीं कर सकते, आप बच्चे को आप डिसाइड करेंगे। पेरेंट्स जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो डिसाइड करें कि कौन सा बच्चा जो है वो सड़क पे किस एज में जा सकता है। हो सकता है जो छोटा बच्चा हो, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, और आपको लगता हो कि जा सकता है तो आप उसको भेज सकते हैं, लेकिन जो बड़ा बच्चा है ज्यादा एज का, उसको आपको लगता है कि ये भी बहुत शरारती है, तो वो सड़क पे जाके आउट ऑफ कंट्रोल होगा, अपना ख्याल नहीं रख सकता, तो फिर आप चाहती हैं अगर उसको रोकना तो आप उसको रोक सकती हैं। ठीक है, आपको एज ए पेरेंट, पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है डिसाइड करना कि किस एज पर बच्चे को उन्होंने बाहर निकालना। इसकी कोई स्पेसिफिक एज नहीं है। ड्राइविंग थ्योरी प्रिपेयर करने के लिए अगर आपने लेसन्स लेने हैं तो वो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन जो होती है वो 1 मंथ में हो जाती है। असेसमेंट्स आपकी डेली होती हैं, क्लासेस जो होती है आपकी जूम से होती हैं, 1-to-1 सेशंस भी जो है वो आपके अवेलेबल है। 1-to-1 मीन्स कि कोई लड़की है, वो मुझे कहे जी मैंने सिर्फ मैंने ही पढ़ना है उस टाइम पे, देन मोस्ट वेलकम, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेडीज ओनली खाली, लेडीज का भी सेशन अगर उन्हें, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। लेसन्स मल्टीपल होंगे, मतलब ज़्यादा लेसन्स होंगे, और गारंटीड गारंटीड आपकी 1 मंथ में कंप्लीट जो होती है वो तैयारी हो जाती है। अगर आपके पास कोई और सवाल है तो आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, 0741317830, trinityonlinecourse@gmail.com ये ईमेल है, यहाँ पे भी कर सकते हैं, और lifeinTheUKTutor@gmail.com जो पुराना चैनल पर लिखा हुआ है वो भी आप कर सकते हैं इस्तेमाल अगर आपको व्हाट्सएप करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।